अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सभी लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, इंडिया से नेपाल पैसा भेजने के लिए बहुत सी क्वेरीज आती रहती हैं ऑनलाइन। बहुत से लोग पूछते हैं, इंस्टाग्राम पे मैसेज करते हैं या यूट्यूब पे कमेंट करके कई लोग पूछने लगे हैं कि मनी ट्रांसफर की सर्विसेज इंडिया से नेपाल अगर चाहिए हो तो किस तरह से वो इंडिया से नेपाल पैसा भेज सकते हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि नेपाल और इंडिया में बिजनेस रिलेशंस काफी ज्यादा बहुत पुराने हैं और बहुत से नेपाली सिटीजन यहाँ इंडिया में काम कर रहे हैं। ऑल ओवर इंडिया आपको देखें आपने आपको देखने को मिलेगा कि नेपाली बहुत सी तादाद में यहाँ पे काम करने के लिए आते हैं और यही बस भी जाते हैं। यहाँ पे उनकी फैमिली रह रही है कई सालों से और उनको अपने और रिलेटिव को वहाँ पे पैसा भेजने की जरूरत पड़ती है। उसके साथ ही साथ यहाँ पे इंडियंस को भी बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको नेपाल से बिजनेस के तौर पे या फिर एज अ गिफ्ट या उनकी रिश्तेदारी वहाँ पे होती है। जैसा कि हम सभी को पता है कि इंडिया और नेपाल में बहुत पुराने रिलेशंस हैं तो बहुत से लोगों को इस सर्विसेज की जरूरत पड़ती रहती है। तो आज हम आपको बताते हैं कि अगर आपको इंडिया से नेपाल पैसा भेजना है तो किस तरीके से आप पैसा भेज सकते हैं। तो देखिए, दो सर्विस प्रोवाइडर आज की डेट में जो सबसे ज्यादा अच्छे तरीके से ये सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं मार्केट में, तो उन दोनों के नाम आपको मैं बता दूं। एक है आई एम ई रेमिटेंस। इस कंपनी के थ्रू आप चाहे तो इंडिया से नेपाल पैसा भेज सकते हैं। और दूसरी कंपनी जो है वो जो सबसे ज्यादा मार्केट में चल रही है वो है प्रभु मनी के नाम से। ये दो कंपनियां हैं जिससे आप इंडिया से नेपाल पैसा भेज सकते हैं। पहले हालांकि रूल्स काफी ज्यादा ही अच्छे थे, बहुत ही ज्यादा मतलब इजी जिसको कह सकते हैं थे। जैसे कि आपको बता दूं कि पहले अगर आप आईएमई के थ्रू भेजते थे पैसे तो जो इंडियंस होते थे उनके आधार कार्ड से भी रजिस्ट्रेशन होके वो अपने नाम से भी वहां पे नेपाल में किसी अपने जानने वाले को पैसा भेज देते थे। लेकिन आज की डेट में कम से कम 1 महीना हो गया है, 1 महीने से आईएमई ने इंडियन सिटीजन का आधार रजिस्ट्रेशन बंद कर रखा है कि अगर वो नेपाल पैसा भेजना चाहते हैं तो वो उसके लिए बिल्कुल मना हो गया है। तो अब पहली बात ये कि यहाँ से अगर पैसा भेजना है तो आईएमई के थ्रू अगर भेजना है तो नेपाल का पासपोर्ट या नेपाल की नागरिकता का जो प्रमाण पत्र होता है, सिटीजनशिप वहां की जो होती है, उसका कागज जरूरी होगा, तब यहाँ से कोई नेपाली अपने वहां के रिश्तेदार को पैसा भेज सकता है। ये हो गया आईएमई की बात। अब अगर बात करें आप प्रभु मनी की, प्रभु मनी में आपको अभी ये छूट मिली हुई है कि इंडियन सिटीजन अभी भी वहां पे नेपाल में पैसा भेज सकता है। तो ये तो हो गई कंपनियों की सर्विसेज की बात। अब आपको बताते हैं कि ट्रांजेक्शन लिमिट कितनी है, क्योंकि ट्रांजेक्शन लिमिट बहुत ज्यादा मैटर करती है क्योंकि बहुत से लोगों को ज्यादा पैसा भेजना होता है तो उसका तरीका क्या है। आपको बता दें कि अगर आईएमई के थ्रू आप अगर पैसा भेजना चाहते हैं तो पहले एक फाइनेंशियल ईयर में 12 ट्रांजेक्शन की लिमिट थी और एक ट्रांजेक्शन 50,000 रुपए का भी हो सकता है, 2,000 का भी, 50,000 से ज्यादा का नहीं हो सकता। तो आप समझ लीजिए कि एक फाइनेंशियल ईयर में 12 ट्रांजेक्शन एक बंदा अपने नाम पे पैसा भेज सकता है। अब उस लिमिट को घटा के आधा कर दिया गया है, एक फाइनेंशियल ईयर में 6 ट्रांजेक्शन आप कर सकते हैं। और अगर आप ये प्रभु मनी की बात करें तो प्रभु मनी में अभी भी लिमिट 12 ट्रांजेक्शन की बरकरार है। तो अगर आप पैसा भेजना चाहते हैं तो एक इंसान अपने नाम पे 12 बार एक साल में पैसा भेज सकता है। और ये जो तरीका होता है इसको मैं बता दूं कि आप यहाँ पे एजेंट को पैसा देंगे, वो आपके नाम से पैसा लॉक करेगा, आपका रजिस्ट्रेशन करेगा और वहां पे जिस बंदे को आप पैसा भेज रहे हैं उसका मोबाइल नंबर यहाँ पे जरूरत उसकी पड़ती है, क्योंकि उसके मोबाइल नंबर पे वहां पे एक एक कोड जाता है। उस कोड को लेके वो वहाँ के एजेंट पे एजेंट के ऑफिस पे जाएगा, उस कोड को वहाँ पे शो करेगा, अपनी आईडी प्रूफ अपनी डिटेल्स देगा और उसको वहां पे पैसा मिल जाएगा। ये तरीका होता है पैसा भेजने का यहाँ से नेपाल। और इसके अलावा जो डिटेल्स है वो भी आपको बता देते हैं। तो बात करते हैं कि सर्विसेज के लिए चार्जेस कितना पे करना है। तो चार्जेस आपको बता दें कि 200 रुपए पर ट्रांजेक्शन कंपनी चार्ज करती है जो भी एजेंट आपका पैसा वहां भेजता है। तो ये हो गई कंपनी के ट्रांजेक्शन की चार्जेस के बारे में बात। इसके अलावा जो एजेंट जो मार्केट में जो सर्विस चार्ज कर रहे हैं वो अमूमन 50,000 रुपए 500 रुपए तक की सर्विस चार्ज वो आपसे चार्ज करते हैं। तो आपको बता दूं कि अगर आपको पैसा भेजना है तो ये मान के चलिए आप चाहे 2,000 रुपए भेजे चाहे 50,000 भेजे, 200 रुपए पर ट्रांजेक्शन तो कंपनी चार्ज करेगी। इसके साथ ही साथ एजेंट का मैं आपको बता दूं कि 50,000 रुपए मान के चलिए कि मोटा मोटा 500 रुपए का सर्विस चार्ज का रेट ये मार्केट में रहता है। तो ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी। तो इसके अलावा और भी कोई ऐसी कोई चीज नहीं है जो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो, बस आपको एक आईएमई अप्रूव्ड एजेंट ढूंढना है या वो एजेंट जिसके पास प्रभु मनी का पोर्टल है। ये दो कंपनियां आज की डेट में इंडिया से नेपाल पैसा भेज रही है। अगर आपको भी ये सर्विसेज की जरूरत है तो आप हमारे ऑफिस में भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग भी अल्हम्दुलिल्लाह ये काम करते हैं और बहुत ही नॉमिनल चार्जेस पे करते हैं। आपको मैंने सारी चीजें बता दी, उम्मीद है आपको सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। देखिए, अब ये चीज आप समझ लीजिए कि अभी हाल फिलहाल अगर आपको पैसा भेजना है तो नेपाली सिटीजनशिप जरूरी है अगर आप आईएमई के थ्रू भेजते हैं। लेकिन अगर आप प्रभु मनी के थ्रू भेजना चाहते हैं
अभी भी यहाँ पे इंडियंस के लिए ओपन है, तो जो भी ट्रांसेक्शन करने हैं जल्द से जल्द कर ले। हो सकता है कि आगे चल के सिर्फ नेपाली सिटीजनशिप के लिए ही ये ट्रांसेक्शन अब अप्रूव हो। तो उम्मीद है कि आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। इंशाल्लाह अगर और कोई डाउट हो तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर कोई सर्विसेज के बारे में बात करना चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट करके हमें बता दें, हम इंशाल्लाह उसके लिए भी एक अलग सी वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।